हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आपके सामने मिशन 2023 में दोस्तों एक और चैप्टर बहुत ही खास, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेमिसाल आपके सामने लेकर के आया हूं, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, तो जेंडर रिलीजन एंड कास्ट में दोस्तों हम लोगों को काफी कुछ समझना है, काफी अच्छा चैप्टर है ये, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इससे। इसमें हम लोग काफी अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे, वैसे क्वेश्चंस करेंगे जो वाकई में आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इन सभी क्वेश्चंस की आने की, जो भी आपके सामने आने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को हम तीन पार्ट में कंप्लीट करें। पहला पार्ट जो होगा दोस्तों वो आपका होगा जेंडर पे बेस्ड, दूसरा जो होगा रिलीजन पे, और तीसरा जो होगा कास्ट से। तीनों पे दोस्तों हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपको ये बता देता हूं मैं कि भाई ये जितने भी पार्ट हम लोग करें, चाहे इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा तीनों पार्ट में, आपका एक भी कॉन्सेप्ट यहां पे अधूरा नहीं रह जाएगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर की। आइए शुरू करते हैं देरी कार्य की, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों ये रहा, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स लीड टू फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। ओके, इसको थोड़ा सोचिए आप लोग, है ना, इसको थोड़ा सोचो आप लोग। मैं क्या चाहता हूं ना कि भाई मैं तो बता रहा हूं वो ठीक है, लेकिन आप अपने साइड से कितना सोच पाते हो, है ना। हाउ लॉन्ग यू कैन थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट्स मैटर अ लॉट। ठीक है ना, जो मैटर क्या करता है बच्चों, आप कितना सोच सकते हो, हाउ लॉन्ग यू कैन थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाट इज योर विजनरी पावर। ओके, तो भाई ट्राई टू इंडक्ट विजन इन योर सेल्फ एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन द वेरी सिंपल टर्म्स। ओके, और यू कैन से द वेरी सिंपल मीनिंग्स। ओके, तो भाई काफी आसान से शब्दों में आप बताइए उसको, सिंपल वर्ड से बताओ, सिंपल टर्म्स का यूज करो, है ना, और जो उसकी मीनिंग होनी चाहिए वो भी काफी सिंपल होनी चाहिए। तो भाई किसी भी क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो भाई आपको ये सोच के चलना है कि इतनी चीजें तो होनी चाहिए। लेकिन एक बच्चा पूछेगा मुझसे कि सर अगर हमें आंसर ही नहीं पता हो तो बेटा ऐसा है कि जब एग्जाम तो अभी है ना, 2 महीने है, तब तक तो थोड़ा पढ़ाई कर लो। अगर उस समय तक भी नहीं होता है क्लियर, उससे भी तक भी क्लियर नहीं होता है, तो भाई ये जो ख्वाब है आपका 95% सुपर लाने का, ये कैसे पूरा हो पाएगा, है ना। काफी कुछ पाना है, काफी कुछ खो दिया है। ठीक है, तो भाई काफी कुछ पाना है, काफी कुछ खो दिया है। मंजिल जो तुम्हारी है वो दूर नहीं है, मंजिल जो है वो तुम्हारी दूर नहीं है। तो भाई चाहे तुम सो चाहे नहीं सो, तुम्हें एग्जाम में 95% प्लस स्कोर करना है, करना है, करना है। ठीक है, ये अपना एक टारगेट बनाओ, जो तुम्हारा शॉर्ट टर्म टारगेट है ये इसको रखो, लॉन्ग टर्म तुम्हारी पूरी जिंदगी है, तुम्हें जो करना है लाइफ में अच्छे से करो। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स लीड टू फेमिनिस्ट मूवमेंट, इसके बारे में हमें बताना था, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक प्राइवेट डिविजन, है ना। एक मिनट, मैं थोड़ा फोन को साइलेंट कर देता हूं और फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हाँ जी, तो भाई इसके सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको इसका सॉल्यूशन देने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं बच्चों जो कि फीमेल को वहां पे, जो कि फीमेल को फेमिनिस्ट जो मूवमेंट करने पे विवश कर रही है, है ना, उनको क्या कर रही है भाई, जो फीमेल को ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं हमारे सोसाइटी में, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स अपनाए जाते हैं, ऐसे क्या क्या रिचुअल्स हैं जिनके बिहाफ पे, है ना, जिनके कन्फ्रंट पे जो वुमेन होती हैं उनको क्या करना पड़ता है, मूवमेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहले पहले हम लोग उन कॉज को समझेंगे, उन फैक्टर्स को समझेंगे। तो आइए समझते हैं, सबसे पहले जो सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर है, हाँ जी, देखिए ये एक जो बहुत ही बुरी धारणा है, आई थिंक ये जो है काफी बुरी धारणा है कि भाई किस तरीके से जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है ना, ये क्या है। ओके, ये क्या है, इसको समझते हैं। देखिए ये जो है ना दोस्तों, ऐसा माना जाता है हमारे सोसाइटी में कि जो मेल वर्कर्स है, जो मेल वर्कर्स है वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं एज विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। ओके, तो भाई उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, लेकिन ये काफी हद तक वैलिड नहीं होता मेरे हिसाब से,
आपको पता होना चाहिए कि अभी जल्दी में दोस्तों एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया था और उसमें सबसे जो टॉप स्क्रोल थी यानी कि AIR1 वो थी सुचिता पारे। ओके, क्या थी? सुचिता पारे। वो क्या थी? फीमेल ही थी ना। तो भाई इफिशियंसी कैसे कम हो गई यहाँ? इफिशियंसी कैसे कम हो गई? इफिशियंसी हम लोगों ने इसको बनाया है, दिस इज अ काइंड ऑफ मिथ है ना, विच वी फॉलो एवरी टाइम एवरी डे इन एवरी सिचुएशन। ओके, तो ये मिथ है, इसको हम लोगों को भूलना पड़ेगा, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहली बात ये, ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आया। दूसरा, रोल इन पब्लिक लाइफ। देखिए, जो वुमेन होती है उनको पब्लिक फिगर बनने नहीं दिया जाता है, या फिर उनको समाज के साथ सोसाइटी के साथ ज्यादा जुड़ा नहीं जाता है, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है मेरे हिसाब से इंडिया के पीछे होने का। इंडिया के डेवलपमेंट में अगर कोई ऑब्स्टेकल है, अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो दोस्तों ऑब्स्टेकल को आप उसे ऑब्स्टेकलनेस बोलो। सब कुछ यही है जो आप वुमेन को पब्लिक लाइफ में जाने नहीं देते, उनको सोशल लाइफ से दूर रखते हो, ये सबसे बुरी बात है। सोसाइटी से दूर रखना बहुत ही गलत बात है। यू कैन नॉट डिप्राइव एनी वुमेन फ्रॉम द सोसाइटी एट ऑल। ओके, आगे की बात करते हैं, वोटिंग राइट टू वुमेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है दोस्तों, मैं जब आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा रहा था तो वुमेन ने प्रोटेस्ट किया था, सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या था उसमें से, क्या आपको पता है? सफ्रेज। ओके, सफ्रेज, they have been deprived of the suffrage, okay, right to vote, this is called right to vote, suffrage is what? Right to vote, भाई आपने उनसे, आपने दोस्तों उनसे voting का ये अधिकार छीन के रखा है, ऐसा मानते हुए कि women can not take good decision, ideal decision in order to maintain, in order to develop the society, okay, or in order to choose the ideal leader, okay, तो ये सबसे बुरी बात, okay? तो भाई वुमेन जो है उनके पास काफी ज्यादा दिमाग होता है, ये ऐसे बोलने वाली बात नहीं है। आप जैसे मैं, जैसे कि हम लोग है ना, तो भाई हम लोग जो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वुमेन नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है, बस ये थिंकिंग की कहीं फर्क है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे की बात करते हैं, जो सोसाइटी है हमारा बच्चों, तीन पॉइंट आपके हो चुके हैं, मैं अभी बता रहा हूं आपको क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है, क्या क्या ऐसे कॉजेस है जो कि That instigate women for feminist movement. Okay, तो भाई क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो कि वुमेन को विवश कर रही हैं कि भाई वो क्या करे, वो क्या करे, मूवमेंट करे। तो भाई तीन कॉज यहाँ पे हो चुके हैं, आगे की बात करते हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमारी जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्चल सोसाइटी है, हमारी जो सोसाइटी है बच्चों वो पैट्रियार्चल सोसाइटी है। यहाँ पे क्या है कि पुरुषों को ज्यादा सपोर्ट दिया जाता है, उनको अगर जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में बच्चों जो आपके पिताजी हैं वो ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मान लो कि एक मेल देख रहा है, कोई बच्चा देख रहा है ना, लड़का देख रहा है, वो इस चीज को फील करता होगा कि उनके घर में जो उनके पिताजी हैं वो अपने बेटे पे ज्यादा खर्च करना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों खर्च करना? गलत, इसमें नहीं कि उसमें भी खर्च कर रहे हैं, उनके पढ़ाई में, उनके डेवलपमेंट में, उनके ह्यूमन डेवलपमेंट में ज्यादा खर्च होता है। इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि जो लड़कियां होती हैं उनको, उनके पीछे हमें काफी ज्यादा सेविंग करने की जरूरत है ताकि उनकी शादी अच्छे से अच्छे घर में हो सके। अरे बात बताता हूं आपको, ये बिल्कुल ही बेकार मिथ है, मैं इस बात को नहीं मानता। आपकी जो लड़की है दोस्तों, आपकी जो लड़की है ना, चाहे जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं उनके पिताजी तक ये मैसेज जरूर जाना चाहिए, जो आपकी लड़की है वो शादी करके दूसरे के घर जाने के लिए ही सिर्फ नहीं बनी, उसे इस धरती पे लाया गया है, उसका कुछ पर्पस है, उसका कुछ गोल है। तो भाई आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी ज्यादा एक्सपेक्टेशन के उनको करने दो जो करना है, ठीक है ना, वो अपने लिए बेस्ट ही करेंगी, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप एक यूनिफॉर्म सोसाइटी को बढ़ावा दें, ठीक है, जिसमें लड़का लड़की सामान्य रूप से देखा जाए, है ना, इक्वली देखा जाए। तो भाई पैट्रियार्चल सोसाइटी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत, ठीक है ना, सबको मौका मिलना चाहिए। अरे भाई जब तक आप मौका दोगे नहीं तब तक कोई दूसरा साबित करेगा कैसे? आज मैं अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई सीजीएल में जो AIR1 है, AIR1 सीजीएल छोड़ी दो यार, ये तो तुम लोगों को बच्चों वाला एग्जाम लगता होगा, ठीक है, लेकिन ये है नहीं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसमें हम बात करते हैं यूपीएससी जो अभी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हुआ है ना, इसमें भी टॉप पे कौन है?
कौन है तुमको पता है ना, एक वुमेन ही, एक महिला ही। तो भाई आप पार्टियां जो सोसाइटी तो ये कैंसिल नहीं कर देना चाहिए, ये सब बेकार है ना, ये सब वोटिंग नाइट वुमेन ये सही है भाई, सबको तो नहीं कर सकते ना। हाँ अब हम बात आते हैं दोस्तों पांचवें पॉइंट पे, लो लिटरेसी रेट। लो लिटरेसी रेट, लो लिटरेसी रेट कैसे आप इसको ना इसके साथ जोड़ सकते हो, लो लिटरेसी रेट जो महिला होती है उनके पीछे कम खर्च किया जाता है पैसे में, मतलब कि उनके पीछे कम खर्च किया जाता है एजुकेशन में, है ना। जब वो स्कूल जाती है तो उनको लिमिटेड टाइम के लिए स्कूल जाने दिया जाता है, तो दसवीं के बाद ऐसा होता है, ट्रेडिशनली ऐसा देखा जा रहा था या फिर हमारे एंसेस्टर्स बताते हैं ऐसा कि भाई उन लोगों को लिमिटेड टाइम के लिए स्कूल भेजा जाता था और उसके बाद उन्हें घर का काम करना होता था, हाउस होल्ड में ज्यादा इंक्रीज करना पड़ता था उन्हें। तो ये सबसे बेकार चीज है ना, ज्यादा एंगेजमेंट आपको पढ़ाई के साथ होना चाहिए, ठीक है। आगे की बात करते हैं, तो ये सब कारण आप समझते जा रहे हो ना, इसमें समझना जैसा कुछ है ही नहीं, ये सब आप देखते आ रहे हो। दिस थिंग्स आर, दिस पॉइंट्स आर ऑल रिलेटेड टू योर लाइफ, टू योर सोशल लाइफ, ओके। आगे की बात करते हैं, डिप्राइव्ड ऑफ हाईली पेड, डिप्राइव्ड ऑफ हाईली पेड जॉब, ओके। यहाँ पे जॉब होगा, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, इस पिक्चर की वजह से ये थोड़ा छूट गया है, ठीक है, जॉब, ओके। तो भाई जो ज्यादा से ज्यादा हाईली पेड जॉब्स होते हैं ना, तो भाई आप घर की तो छोड़ दो, जो एक पढ़ा लिखा किसी कंपनी का सीईओ होता है या फिर जो एचआर होता है, वो सब क्या सोचते हैं ना कि भाई हम एक फीमेल फेस को ज्यादा पैसा देंगे, उससे अच्छा है कि बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मेल को दे देंगे कम से कम, उससे हम जो चाहेंगे वो करेगा, तो जो चाहेंगे वो मतलब कि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है तो वो ज्यादा काम करेगा, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। तो ये कहां तक सही है बच्चों, आप मुझे जरूर बताइएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे जो है पानी जो है ना सर के ऊपर आ रहा है, अभी गले तक, अभी और ऊपर आएगा, देखना कैसे आएगा। देखिए आगे, सिलेक्टिव सेक्स अबॉर्शन, देखिए हमारे इंडिया में बच्चों, हमारे इंडिया में महिला के ऊपर पैसे खर्च नहीं किए जाते हैं, हमारे इंडिया में सेलेक्टिव सेक्स अबॉर्शन कर दिया जाता है। अगर लड़की है ना, अगर लड़की है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू देख लिया जाता है कि भाई कौन है, मतलब सेक्स कौन सा है, मेल या फीमेल, तो भाई ये देख लिया जाता है। लेकिन लड़की है तो उसको सबसे पहले हटा दिया जाता है ना, इसको सबसे पहले हटा दिया जाता है। तो भाई इसीलिए तो हमारा जो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है वो कितना ज्यादा है वो तुम समझ सकते हो, है ना, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। और ओवरऑल दोस्तों हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में किस तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं ये तो क्लियर होते चला जा रहा है ना। तो भाई ये कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में वन ऑफ द गोल्स में ये भी, आपको फीमेल को बढ़ावा देना है, उनके एजुकेशन पे खर्च करना है, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट आपका कम से कम होना है, ओके, क्लियर है। ये क्या होता है, नवजात शिशु। मैं अब ये बात समझना कि सर ये अलग चीज है, अलग चीज है, हाँ मैं मानता हूं इसको, मैं मानता हूं, लेकिन ज्यादातर जो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इसमें ज्यादातर जो पार्टिसिपेशन होता है वो फीमेल चाइल्ड का होता है या फिर फीमेल इन्फेंट का होता है, ठीक है ना, इन्फेंट इज मोर सुटेबल, ओके। आगे की बात करते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अमंग दिस ऑल, ओके। क्यों है ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, आपको पता है बच्चों कि हम बात करें लोकसभा की, हम बात करें राज्यसभा की, whether it is अपर हाउस और इट इज लोअर हाउस, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, या फिर हम बात करें दोस्तों स्टेट लेजिस्लेचर्स की, ओके, लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें, उन सब में बच्चों आप देख सकते हो वुमेन का जो सीट परसेंटेज है वो कितना है या फिर वो कितना ज्यादा इलेक्शन फाइट करती है ना, कितना ज्यादा इलेक्शन लड़ती है, कितना ज्यादा इलेक्शन वो कंटेस्ट करती है। तो भाई ये सब जो चीजें हैं ये सब पुश कर रही हैं उन लोगों को एक मूवमेंट लाने के लिए, दीस पॉइंट्स आर कलेक्टिवली फॉर एनफोर्सिंग देम टू ब्रॉट अ फेमिनिस्ट मूवमेंट, टू मूव टुवर्ड्स द फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो भाई कलेक्टिवली ये सब जिम्मेदार है फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए। तो भाई ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है, तो डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स लीड टू फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑन दी बेसिस ऑफ पब्लिक प्राइवेट डिविजन, ओके। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आया सर, हमें हर एक चीजों को जानने का मौका मिला है ना, मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे रखा है ना इसीलिए ताकि आप लोग थोड़ा इन पे फोकस कर पाओ, आपका एग्जाम भी काफी नजदीक है, थोड़ा इनको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो भाई
अब चलिए आगे की बात करते हैं, हम लोग आगे की बात करेंगे। तो भाई आइए देखिए, एक मूवी आपने देखी होगी दोस्तों, मुझे लगता है कि इन पॉइंट से अगर आपको समझ में नहीं आए तो इससे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। आपने एक मूवी देखी होगी इंग्लिश विंग्लिश, इस मूवी का क्या नाम है? इंग्लिश विंग्लिश, ओके, इंग्लिश इंग्लिश विंग्लिश, ओके। इस मूवी में जो है सबसे जो प्राइम कैरेक्टर है वो किसका है? श्रीदेवी का। किसका बच्चों? श्रीदेवी का। इन्होंने इसमें ये बताया है जो महिलाएं होती है ना वो सिर्फ घर का काम काज करने के लिए नहीं होती, महिलाएं जो होती हैं, जो वुमेन होती हैं, वो सिर्फ हाउस होल्ड के लिए नहीं होती बल्कि उससे हर फील्ड है ना, अपार्ट फ्रॉम दैट उनके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, उनके पास जो एफिशिएंसी होती है उसको वो यूज कर सकती हैं अपने टैलेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने लाने, और वो टैलेंट आप हाउसहोल्ड के जरिए नहीं ला सकते, वो कोई टैलेंट नहीं हुआ, वो आपके ऊपर वो मजबूरी है आपकी, ठीक है ना, वो मजबूरी है, ओके। आगे समझते हैं, देखिए देखिए इस मूवी में आप लोगों ने देखा होगा बच्चों किस तरीके से जो शुरुआत का जो मैं कह सकता हूं मूवी के जो शुरुआत का पार्ट है ना उसमें ये दिखाया गया है कि इनको घर का काम बस देखना ज्यादा होता है, ये लड्डू देख रहे हो क्या, मीडिया बनाना इनका काम रहता है, ठीक है। लेकिन इनकी जो चाहत होती है अच्छी खासी इंग्लिश बोलने की होती है, ये चाहती है कि मैं काफी अच्छी इंग्लिश बोलूं, हालांकि ये टूटी फूटी इंग्लिश बोलती है, लेकिन लेकिन इसके चलते दोस्तों ये बाहर भी जाती है, अब्रॉड जाती है ना, वहां जाकर के भी काफी एजुकेशन लेने की कोशिश करती है। तो भाई कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं इसके लिए, महिलाएं जो है वो काम काज करने के लिए नहीं बनी। एक एक सीरियल आता है, मैं तो नहीं देखता, एक धारावाहिक है अनुपमा, ओके, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि भाई किस तरीके से वो घर को पूरी तरीके से संभाल के चलती है ना, जब है ना, पूरा तो मैंने नहीं देखा लेकिन थोड़ा बहुत मैंने भी देखा, तो भाई उसमें समझ में आया कि जो वुमेन है उसको सोसाइटी में किस तरीके का दर्जा दिया जाता है, ठीक है ना, उसको किस तरीके का दर्जा जाता है। और सिर्फ मैं एक बात बताता हूं आपको, सिर्फ उनको घर में ही नहीं, सिर्फ उनको मतलब सोसाइटी में नहीं, उनको तो घर में ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम होता है, उनको ज्यादा ज्यादा प्रोटेस्ट किया जाता है घर में, ठीक है ना, सोसाइटी के तो बात आप छोड़ी दो, ये दूर की बात, ओके। तो भाई क्या पूरा मामला है आप लोगों को क्लियर तो हो रहा है ना, इस पर्टिकुलर पिक्चर से भी अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो भाई तुम जाओ और पानी थोड़ा सा अगर होगा अगर बगल में तो वहां जाकर के अपने आग के ऊपर पानी डालना, ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, या फिर अपना मुंह उसमें डाल लेना, ठीक है। तो भाई क्या है ये पूरा मामला, समझ में तुम लोग को आया बताइए। अब आगे की बात करते हैं, आइए देखिए दोस्तों, हमारे इंडिया में जो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कुछ ज्यादा ही है, जो चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा है। हम बात करें बच्चों, ये रेशियो दिया गया है चाइल्ड सेक्स रेशियो का, 2011 का डेटा है ये, इसमें दिख तो रहा है ना आप लोगों को, इसमें ये बताया गया है बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि जो हालात है वो ज्यादा से ज्यादा कहां सुधरे हुए हैं, जैसे कि 1000 मेन पे जो वुमेन का रेशियो है, जो वुमेन का रेशियो है वो कितना है ये बताया गया, ठीक है ना। तो ये सबसे अच्छी जो हालात है ये आपको केरल के साइड में मिलेगा, है ना, केरल में, छत्तीसगढ़ में वेस्ट बंगाल, और ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है इसमें। लेकिन अभी जो करंट डेटा है मैं उसके अनुसार बता देता हूँ, राजस्थान में भी आपको थोड़ा बहुत ये ग्राफ अच्छा हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो दोस्तों आप बाकी के डेटा देख रहे हो यहाँ पे 926 से 950, ये सब जो रीजन है यहाँ पे भी कितना है 951 या उससे ऊपर, 951 और मोर देन 951, ओके। बाकी जो रीजन सब बात करें, जो ग्रीन वाले हैं, ये जो ग्रीन वाले हैं, यहाँ पे जो हालात है 1000 लड़कों पे, महिलाएं कितनी है तो 926 से 950, क्लियर है, अच्छा डेटा है क्या ये। लेकिन अब जो करंट डेटा है एक बार तुम उसको रिवाइज करना, इसमें जो इनका परसेंटेज है ना, इनका परसेंटेज वो बढ़ गया, ठीक है, वुमेन का ही शेयर बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन ये काफी अच्छी बात है, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण या फिर वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है, ये सब देख के काफी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल ये सब जो है ना दोस्तों, ये देश की तरक्की में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, थोड़ा कट रहा है क्या।
ये तो पूरा नहीं जाना था भाई, ठीक है ना, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं यहाँ पे, कोई नहीं, जो मेन है उसका 1000, वुमेन जो है 951, उसके बाद धीरे धीरे आप देखिए है ना, डिफरेंट स्टेट्स की बात कर ली गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, किसी को किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं है। अब देखिए आगे की बात करते हैं, हाँ, वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए मैं जो बात बोल रहा था आपसे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, लिख लेता हूं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, एक पॉइंट आया था पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, उस पे एक पॉइंट था दोस्तों, सब मैंने बताया था कि किस तरीके से इंडिया में वुमेन को डिप्राइव किया जाता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है ना। अभी जो आप बोल सकते हो 1992 में इन्हें लोकल सेल गवर्नमेंट या फिर थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट में है ना, इन्हें 33% रिजर्वेशन मिला है, लगभग ये 1/3, ओके 1/3, तो ये अच्छा डेटा है ना, ये अच्छा डेटा है ना। लेकिन अगर हम इंडिया का स्कोर देखिए, ये देखिए आप इंडिया का परसेंटेज देखो, अगर पूरे वर्ल्ड की आप बात करो, ज्यादातर ये जो क्या है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इसमें कौन कौन आता है बच्चों, पता है आप लोगों को इसमें कौन कौन आता है, स्वीडन आ गया, नॉर्वे आ गया, ग्रीनलैंड आ गया, है ना, डेनमार्क, है ना, तो ये सारे कंट्रीज है इसके, एक फिनलैंड भी है यहां पे, फिनलैंड कैपिटल इसकी हेलसिंकी है ना, ये हो गया स्टॉकहोम, ओके क्लियर है ना आप लोगों बच्चों। तो भाई ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखिए वुमेन का रोल, इनका परसेंटेज वाइज आप देख सकते हो कितना ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, लगभग 42.3%, यानी कि अगर पार्लियामेंट में 100 सीटें हैं तो यहाँ पे 42 सीटें इनमें से वुमेन की है, तो आप देख पा रहे हो कितना अच्छा ये ग्राफ है। लेकिन वही अगर इंडिया की बात की जाए तो ये लगभग 100 सीट है अगर पार्लियामेंट में, तो उसमें से 11 पे ही इनका हक है, ठीक है, किसका, वुमेन का। तो ये ग्राफ अच्छा है या बुरा है ये तो आप खुद ही समझ सकते हो, ये आप खुद ही बता सकते हो, लेकिन धीरे धीरे इसको इम्प्रूव किया जा रहा है, हालांकि ये पुराना डेटा है, इस पे काम धीरे धीरे अब किया जा रहा है, करेंट डेटा हमारे पास आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, ओके दोस्तों। तो ये चैप्टर जो है अभी तो समाप्त नहीं होगा, है ना, एक चीज और देख लो, 50 मिलियन वुमेन मिसिंग इन साउथ एशिया, ये आपके बुक का ही है, आप इसको देखे हो क्या अभी तक। एक चीज और है जो इनके वुमेन को प्रोटेस्ट करने मजबूर कर रही है, कि वो प्रोटेस्ट करें, एक बात यहां पे और समझिए, वो क्या रहा है कि पिछले, अगर हम बात करें बच्चों, 50 मिलियन वुमेन मिसिंग इन साउथ एशिया ड्यू टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, इनकी सिक्योरिटी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी सिक्योरिटी नहीं है, कहीं भी आप देखो रेप हो जा रहा है ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जा रहा है लोग वुमेन के साथ, जो कि काफी गलत चीज है ना, ये पूरी दुनिया का ही मामला है, सिर्फ ये इंडिया का नहीं है, ये पूरी दुनिया का मामला है ना, ज्यादातर एशिया की मैं बात करूं तो, है ना, एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे ये सब अमूमन देखा जाता है, ठीक है, उसमें भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, ओके। तो दोस्तों ये पूरा आपका पार्ट वन तो कंप्लीट हो चुका है, वुमेन किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट कर रही है और क्या ऐसे रीजन है जो इनको मूवमेंट करने पे, इनको प्रोटेस्ट करने पे मजबूर कर रहे हैं, है ना, इनसाइट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, है ना, ऑगमेंट कर रहे हैं। तो भाई ये सब मैंने आपको बता दिया है, तो पार्ट वन आपका होता है समाप्त, इसके बाद मैं आपसे जुड़ूंगा पार्ट टू में, जो होगा दोस्तों आपके रिलीजन पे बेस्ड, ओके। तो रिलीजन में किस तरीके से मुठभेड़ है उसको भी समझेंगे, उसके सारे प्रोटेस्ट को समझेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं खुद के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बात जो है अगर कुछ अच्छी हो रही है तो वो लोगों के बीच में जाए, लोग थोड़ा समझे इन चीजों को, ओके। चलिए दोस्तों फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।